गिद्ध, जिन्हें शिकारी पक्षी माना जाता है, लेकिन उसकी पहचान है एक मुर्दाखोर पक्षी की। मटमैला रंग, गर्दन लंबी। जब भी कभी आसमान में गिद्धों का झुंड मंडराता हुआ दिखा तो लोगों को यह अंदाजा हो जाता था कि कहीं आसपास किसी मुर्दा जानवर या इंसान की लाश पड़ी हुई है। लेकिन अब आसमान में मंडराते हुए गिद्धों का झुंड नजर नहीं आता, क्योंकि गिद्ध अब विलुप्त होने की कगार पर है और इसका जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं इंसान ही है। शहरों के विस्तार के नाम पर जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। हरे भरे जंगलों को कंक्रीट के जंगल में बदला जा रहा है। विकास की रफ्तार में काफी कुछ पीछे छूट गया। कई जानवर और पक्षी विलुप्त हो गए तो कहीं विलुप्त होने की कगार पर हैं। मोटे तौर पर कहा जाए तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि डायनासोर कैसे विलुप्त हो गए। आज हम और आप डायनासोर के बारे में सिर्फ किताबों में ही पढ़ते हैं, तो आज हम आपके लिए एक ऐसे ही खतरे की घंटी के बारे में बताने आए हैं जिसको जानकर आप हिल जाएंगे। ये बातें हम आपको डराने के लिए नहीं बल्कि जागरूक करने के लिए बता रहे हैं, लेकिन इस सच्चाई से सामना करना जरूरी है। इसीलिए आपके लिए हम गिद्धों के विलुप्त होने की कहानी लेकर आए हैं कि आखिर गिद्ध क्यों गायब हो रहे हैं और इसका कारण क्या है और इससे क्या नुकसान होने वाला है जिसका असर आपके जीवन पर भी पड़ेगा। गिद्धों पर रिसर्च करने वाले पर्यावरणविद की माने तो 80 के दशक में भारत में सफेद पूंछ वाले गिद्धों की संख्या करीब 80 मिलियन यानी कि लगभग 800 लाख थी, लेकिन आज की तारीख में इनकी संख्या 40,000 से भी कम हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये डेटा कितना खतरनाक है। ये तो आप जानते ही होंगे कि गिद्ध स्वच्छता के काम में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। गिद्धों के विलुप्त होने से नतीजा ये हुआ कि चूहों की संख्या में अचानक बहुत बढ़ोतरी हो गई। ऐसे ही कई और परिणाम देखे गए। गिद्धों की संख्या में हुई कमी की वजह से साल 2015 तक पर्यावरण स्वच्छता के लिए करीब 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च हुए हैं। एक लेख के मुताबिक 1991-92 में देश भर में गिद्धों की संख्या 4 करोड़ थी, लेकिन इसके महज 10 सालों में इनकी संख्या तेजी से कम हुई और अब ये भारत में लुप्त प्राय हो चुके हैं। जानकारों की माने और पुराने रिसर्च के मुताबिक गिद्धों की जिप्स वंश की भारत में मिलने वाली 3 प्रजातियों में लंबी चोंच वाले गिद्ध और पतली चोंच वाले गिद्धों की संख्या में 97% तक की भारी कमी आई है। लेकिन सबसे बुरी हालत तो तीसरी प्रजाति सफेद पीठ वाले गिद्ध की है। यहाँ पर आपको बताते चले कि ये सारे आंकड़े पुराने हैं और पुराने डेटा के आधार पर ही हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि गिद्धों की हालत क्या है। जी हाँ, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के पूर्व निदेशक असद रहमानी की माने तो दुनिया के इतिहास में किसी पक्षी के इतनी तेजी से कम होते जाने का ये मामला है। सन 2000 तक भरतपुर में एक भी गिद्ध नहीं बचा था, ये खतरे की घंटी थी। जल्द ही देश के दूसरे हिस्सों से भी इसी तरह की खबरें आने लगी। जिप्स वंश के इन गिद्धों की तादाद लाखों से घटकर अब लगभग 20,000 के आसपास है। इसमें लंबी चोंच वाले गिद्ध 12,000, सफेद पीठ वाले गिद्ध 6,000 और सबसे कम लगभग 1,000 पतली चोंच वाले गिद्ध शामिल हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर गिद्धों के खात्मे की वजह क्या है। तो जानकार बताते हैं कि पक्षियों की आबादी में आई गिरावट के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि शिकार, महामारी, प्राकृतिक आवास विनाश। लेकिन जिस तेजी, परिमाण और व्यापकता से दक्षिण एशिया में गिद्धों की संख्या कम हुई, अब हम थोड़ा बता दें कि गिद्ध होते क्या हैं। जी हाँ, गिद्ध मुर्दाखोर पक्षी होते हैं जो बड़े पशुओं जैसे कि गाय, भैंस या फिर कोई और जानवर के मरने पर उनको खाकर अपना गुजारा करते हैं और प्रकृति के साथ साथ धरती को साफ सुथरा रखते हैं। यहाँ पर एक कहानी और आपको बता दें, लेकिन ये आप शायद जानते होंगे। भारत का जन जन ये बात जानता है कि गिद्ध का वर्णन भारत के पौराणिक महाकाव्य रामायण में किया गया है, जहाँ रावण के चंगुल से सीता को बचाने के दौरान गिद्धों के राजा जटायु ने अपनी जान गंवा दी थी। गिद्ध अलग अलग प्रजातियों के होते हैं और औसतन भारत में इनके सबसे देसी प्रतिनिधियों का वजन 3.5 से 7.5 किलोग्राम के बीच होता है। लंबाई 75 से 93 सेंटीमीटर और पंखों का फैलाव 6.3 से लेकर 8.5 फीट होता है। गिद्ध 7,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं और एक बार में 100 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी आसानी से कवर कर सकते हैं। गिद्ध प्राकृतिक सफाई कर्मी है। ये मृत और सड़ रहे पशुओं के शवों का भोजन करते हैं। इससे मिट्टी में खनिजों की वापसी बढ़ती है। इसके अलावा संक्रामक बीमारियों को फैलने से रोकते हैं। अगर गिद्ध नहीं रहे तो चूहों की संख्या बढ़ जाएगी। आवारा कुत्तों में रेबीज बीमारी को बढ़ावा मिलेगा और अगर वो आपको काट ले तो आप रेबीज के शिकार हो सकते हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की माने तो डिक्लोफेनाक का पशु चिकित्सा में उपयोग से भारत में गिद्धों की मौत हो रही है।
डॉक्टरों की माने तो डिक्लोफेनाक एक गैर स्टेरॉयडल सूजन रोधी दवा है। गिद्धों पर नजर रखने वाले पर्यावरणविदों की माने तो ये दवा पशुओं पर भी समान रूप से असर दिखाती है, और जब किसान अपने बीमार पशुओं को इसे देता है तो उनके जोड़ों का दर्द कम और बुखार कम हो जाता है। लेकिन पशु जब मरता है तो उस दवा का असर पशु के शरीर में रहता है, और जब वही मांस गिद्ध खाते हैं तो उनके मौत का कारण बन जाता है। इसके साथ साथ भारत में गिद्धों के लिए कीटनाशक प्रदूषण भी एक खतरा है। क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन का प्रयोग कीटनाशक के तौर पर किया जाता है। ये गिद्धों के शरीर में खाद्य श्रृंखला के माध्यम से प्रवेश करता है, जहां ये एस्ट्रोजन हार्मोन की गतिविधि को प्रभावित करता है। परिणाम स्वरूप अंडकोश कमजोर हो जाता है। इससे अंडों की असामयिक सोने की प्रक्रिया होती है, जिससे भ्रूण की मौत हो जाती है। ये भी गिद्धों की कमी का कारण है। इसके बाद जंगल के किनारे और जंगल में बसे गांव के लोगों की मवेशी कोई जंगली जानवर खाता है या नुकसान पहुंचाता है तो गांव वाले उस शिकारी पशु को मारने के लिए जहर का प्रयोग करते हैं, और जब जानवर जहर खा लेता है तो मर जाता है, और फिर गिद्ध जब उस लाश को खाते हैं तो जहर का शिकार हो जाते हैं और मौत के मुंह में चले जाते हैं। जानकारों की माने तो गिद्धों का खत्म होना गंभीर है, और इन विलुप्त प्राय होते पक्षियों को बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब आप गिद्धों को किताबों में पढ़ेंगे और फिर भयंकर आपदा, भयंकर बीमारी का शिकार होकर अस्पताल में इलाज करा रहे होंगे। तो जरूरत है कि आप हम सभी इस प्रकृति प्रेमी का संरक्षण करें और अपनी धरती को बचाएं, नहीं तो क्या होगा आप समझ सकते हैं।